दोस्तों मैं गोविंद माली, आज के स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको पैन कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या नई मेल आईडी अपडेट करनी हो तो अब आपको अपने पैन करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब अपने पैन कार्ड में बिना करेक्शन फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई किए अपने पैन कार्ड में नया मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से इसका पूरा प्रोसेस शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो उसके बाद में आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा NSDL पैन प्रोटीन, ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट वाली लिंक प्रोटीन 3 पेन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोटीन 3 पेन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो उसके बाद को डाउन कर लेना। जैसे स्क्रीन को डाउन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पैन सर्विस लिंक, अब आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पैन, रीप्रिंट पैन कार्ड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपडेट इन पैन। तो आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आपको सबसे पहले थर्ड वाली जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे थर्ड वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एड्रेस अपडेट फैकल्टी इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना पैन नंबर दर्ज कर लेना है, आधार नंबर दर्ज कर लेना, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर लिख करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो राइट निशान है राइट पर क्लिक करके आपको रेबूट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही रेबूट पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे, जैसे ही पैन कार्ड और आधार नंबर फिलअप करके आप रेबूट पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में वन टाइम ओटीपी, यानी कि जो ओटीपी है वो आपके कंटिन्यू आपको सबसे पहले आपके जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर आपको सेंड किया जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले कंटिन्यू विथ केवाईसी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू विथ केवाईसी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो सबसे पहले अपने ओटीपी को फिलअप कर लेना, मैं आपको करके बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको आगे देखना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने कैप्चा कोड फिलअप कर लिया तो उसके बाद में आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं जो ओल्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू विश अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन पैन डाटाबेस, यानी कि आप अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यस, यहां पर यस करना होगा। जैसे यस कर देंगे तो उसके बाद में मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिख करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो नया मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप फिलअप करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको फिलअप करके वैलिडेट पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पैन जो डेटाबेस है उसमें नए मोबाइल नंबर की जो रिक्वेस्ट है वो सेव हो जाती है। उसके बाद में जो भी पेमेंट है उसका वो आपको पे कर लेना। उसके बाद में आपका जो पैन डेटाबेस है उसमें आपकी मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर अपडेट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पैन कार्ड में अपना नया मोबाइल नंबर और नए पैन कार्ड नंबर, जो पैन कार्ड में जो नया मोबाइल नंबर और जो नई मेल आईडी है वो अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी हर रोज लेटेस्ट वीडियो जानकारी, वीडियो से संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।